व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपको शिमला की वादियों से ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग। मैं ठंडी इसलिए कह रही हूँ, आ तो अप्रैल गया है, 10-11 तारीख हो गई है, बट फिर भी यहाँ पर सुबह शाम काफी ठंडा है। ये देखो मैंने स्वेटर भी पहनी है, तो जो बाहर के व्यूअर्स हैं उनको मैं ठंडी ठंडी विशेज भेज रही हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम ठीक ठाक है। तो टाइम है सुबह का, आरवी स्कूल जा चुकी है और ये देखो मेरा ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो चुका है। ये देखो आज मैंने बनाई है साबूदाना की खीर, क्योंकि ये अर्शिव और ऋषु को काफ़ी पसंद है तो मैंने ये बनाई है। और ये दूध भी उबाल दिया है, तो जिसको दूध पीना है वो दूध पिए, जिसको साबूदाना खाना है वो साबूदाना खाए। तो आज हम सब लोग मिलके कहीं जा रहे हैं, सब लोग तो क्या यार, बेचारी आर भी तो स्कूल जा चुकी है। तो मैं, ऋषु और अर्शिव जा रहे हैं। एक्चुअली ऋषु की जो कज़न है उनका ऑपरेशन हुआ था तो हम उनसे मिलने नहीं जा पाए थे, तो आज हम वहाँ जाते हैं, आपको भी लेके चलते हैं। तो फटाफट से रेडी होते हैं और जाते हैं। तो आज मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहती यार, क्योंकि मैं ना हमेशा लेट हो ही जाती हूँ अर्शिव के साथ। या तो जाते हुए इसको पोटी आ जाएगी, या कुछ हो जाएगा, या कुछ पानी गिरा देगा अपने ऊपर, या कुछ तो ये ज़रूर करेगा। तो मेरे को इसके पूरे सारे सारे कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, फिर जाना पड़ता है, फिर इस चक्कर में मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। तो आज मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं लेट हो जाऊँ, क्योंकि हमारे को आना है आरवी के लिए वापस। जब तक आरवी स्कूल से आएगी तब तक हमारे को घर वापस किसी भी हाल में पहुँचना है। तो टाइम पे जाते हैं और टाइम पे आते हैं, तो मिलते हैं आपको रेडी। तो देखो जी, ये दोनों इंसान, एक फोन में बिजी है और एक ये टीवी में बिजी है। मिस्टर, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? मैं अभी रजाई बना के आया, बिस्तर झाड़ के आया, सारी सफाई करके आया अपने कमरे की। देखो ए, बोलती देखो जाके। हाँ, चल 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 देखो मेरे ऊपर कितना मैं दिखा। ये देखो सबसे पहले तो कपड़ों का ढेर यहाँ पर लगा है। ये तो ऐसे ही होता है, ये देखो सफाई, रजाई पैक है, कंबल पैक है, सराना पैक है। अगर इसको सफाई बोलते हैं तो गंदगी किसको बोलते हैं? गंदगी मैं दिखाता हूँ, चलो यहाँ देखो गंदगी कैसे डाली। मेरा किचन एकदम बिल्कुल साफ है, ये देखो कहाँ ये नींबू भी घिरा हुआ है। मेरे किचन में आपको कोई गंदगी नहीं दिखेगी। मैंने आपको एक चीज बोला था कि अपना कमरा सेट कर लो, और आपसे वही नहीं हुआ है। क्या कर दिया? चल इससे ज्यादा क्या सेट करेंगे? और ये देखो सवा 9 हो गए, हम कब जाएंगे, कब वापस आएंगे? आरवी के लिए हमारे को जल्दी पहुंचना है। तो भाई एयर जाना है, भाई एयर आ जाएंगे। अच्छा। कोई चक्कर नहीं, कल बुक कर रखा है, सीधा नाल देना उतार। तो यार मैं इनको भी फटाफट से रेडी करती हूँ और खुद भी फटाफट से रेडी होती हूँ। हम पक्का आज फिर से पक्का लेट हो जाएंगे, मैं नहीं चाहती कि लेट हो जाए। तो चलते हैं फटाफट। तो जी हम रेडी होके चल चुके हैं अपने सफर पे, और अर्शिव और ऋषु आगे जा रहे हैं। बड़ी चमक चमक के आ रही है, कभी कभी चमकता है चांद। और एक चीज दिखाओ, हाँ दिखाओ, ये देखो आज मैडम जी ने पहन ली है घड़ी। तो ये देखो माँ बेटा आज दोनों कैसे लग रहे हैं, बहुत टाइम बाद नए नए कपड़ों में, नए नए बन के नहीं है बट फिर भी घर बताओ मैं ही भूत जैसे बनने रहते हैं। नहीं वो तो तुम है दोनों। अर्शिव कहाँ जा रहे हो आप? हाँ देखो कितना खुश है। तो चलो चलते हैं। फाइनली इतना चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं गाड़ी में, इतनी दूर पार्क की हुई थी ऋषु ने गाड़ी। शिमला में यही दिक्कत है यार, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। तो गाड़ी में जाने से पहले सोचना ही पड़ता है कि जाएं कि ना जाएं, बस से ही निकल जाएं। और अगर आपको मैं जाम दिखाऊं तो शिमला में इतने टूरिस्ट आ रहे हैं आजकल, तो ये देखो लंबी लंबी लाइनें लगी है, और सारी बाहर की गाड़ियाँ हैं, हिमाचल से बाहर की। तो अब हम चल तो पड़े हैं पर धीरे धीरे कछुए की रफ्तार से। और ये देखो हमने सामान भी ले लिया है जिनके घर जाना है उनके लिए। तो ये देखो गाड़ियाँ कैसे कछुए की रफ्तार में चल रही है, धीरे धीरे चलो चलो चलो। तो यार कल ना ढली में एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ। ये देखो यहाँ पर ना दो दुकानें थी, यहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें थी यार, ऐसे भी नहीं छोटी, और वो ना नीचे ही चली गई, यहाँ से नीचे काफ़ी है यहाँ से, और वो पता नहीं क्या जमीन धंस गई कि क्या हुआ, वो पता नहीं। वालों का ट्रक कैसे कैसे आदमी वालों का ट्रक जा रहा था ना यहाँ से, तो वो क्या उससे ट्रक से टक्कर लग गई दुकान में, वो छत में लगी ना, हाँ जगह बैठ गई होनी, फिर जगह नहीं बैठी, वो क्या बोलते धक्का लग गया पीछे, वैसे ही पड़ा। और उसमें ना
जो अंकल बैठे हुए थे बेचारे, वो भी उसी दुकान के साथ ही नीचे चले गए, और साथ वाली दुकान थोड़ी सी टेढ़ी हुई वो तो बच गई, पर अभी तो वो भी गिरी हुई है, रात को ही गिर गई होनी। हाँ, और वो अंकल बेचारे उसी में चले गए नीचे। ये तो भगवान का शुक्र है कि वो बच गए, उनको हल्की हल्की चोटें आई है और शायद टांग फ्रैक्चर हुई है एक उनकी, बाकी वो बच गए। चोटें आई और टांग फ्रैक्चर। हाँ, तो इतना खतरनाक हादसा हुआ। तो जी ये पहुंच रहे हैं हम मशोबरा। ये है मशोबरा 2। हाँ, मशोबरा 2। मशोबरा 1 आपको एक व्लॉग में ऋषु ने पहले दिखा दिया है, वो एक्सप्लोर अच्छे तरीके से किया ऋषु ने। तो ये है मशोबरा 2। यहाँ से नाल देना शुरू है, नालदेरा की वादियाँ। जिस वक्त हम यहाँ रहते थे ना, उस वक्त ये जो अब यहाँ से नीचे से रोड बनाई है ऐसी नहीं थी, यहाँ से डायरेक्ट आगे थी, और जो गोल्फ राउंड है ना, गोल्फ राउंड के बिल्कुल बीचों बीच से जाती थी ये रोड। अच्छा, अब तो उसमें शायद एंटर नहीं करने देते। हाँ, है ना? अब वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, उसमें सिर्फ प्लेयर्स ही जा सकते, बाकी ऐसे नहीं जा सकते। तो यार एट लास्ट हम पहुँच ही गए। रास्ते में तबीयत बहुत खराब हुई बेचारे अर्शिव की, भी वॉमिटिंग हुई क्योंकि मोड़ मोड़ वाली रोड है। ये देखो कैसे भाग रहा है। ये रहा अंकल का घर जिनके घर हमने आना था, ये उनका घर नालदेरा में। हेलो कल्याणी, ठीक है? हेलो डॉगी, क्या नाम इसका? बूमर। अच्छा, बूमर है ये, बूमर। हाँ कल्याणी, ठीक है? मजे में? ठीक है, अब तबीयत ठीक है। ये काट भी सकता है? काटता है? नहीं काटता है, नहीं काटता, बिल्कुल नहीं, बहुत फ्रेंडली है तो। अच्छा, मेरे को तो बहुत डर लगता है। हम पहुंच चुके थे चाचू चाची के घर थोड़ी देर पहले, तो आओ इंट्रोडक्शन कराते हैं आपकी इन लोगों से। तो ये है कल्याणी मेरी कजन, चाचू की बेटी। कैसी है कल्याणी? ठीक है? अब तो कल्याणी का हुआ था स्टोन का ऑपरेशन, गॉल ब्लैडर स्टोन था। तो कल्याणी कैसे हो? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और ये है यहाँ पे चाची जी हमारे। तो चाची जी ठीक है? आप डटे हुए हैं तो भी ठीक है? आपके टांगों में दर्द आई थी, अब बिल्कुल ओके? ठीक है, मेडिसिन ले रही हूँ। अच्छा, क्या विटामिन डी की डेफिशिएंसी? हाँ, विटामिन डी। चलो, ये तो बुढ़ापे में हो ही जाती है, उम्र के साथ साथ तो हो ही जाती है। अभी कहाँ जाती है आप बुढ़े? अभी तो 65 तो लगते नहीं है ना। लंच का टाइम हुआ है, लंच कर रहे हैं हम लोग। और ये है चाचा जी। हेलो। और चाचू जी ठीक है? बढ़िया, आप सुनिए। ठीक है, चाचू जी टूरिज्म से रिटायर हुए हैं, तो यहाँ पे अपने ताऊ जी की अपनी बिल्डिंग है ये वाली। तो अर्शिव की खाने की तैयारी हो चुकी है, लंच टाइम। तो बाकी यहाँ का व्यू हम फिर दिखाएंगे, पहले हम भी लंच कर लेते, फिर चाची जी घुमाएंगे हमारे को, यहाँ के बारे में बताएंगे कि नालदेरा कैसा कैसा। तो ये देखो जी, यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देता है। ये बिल्कुल नालदेरा के साथ ही है, इस कर्व के बाद पर एक और नालदेरा ही है। और ये देखो कितने अच्छे बगीचे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल फ्लैट फ्लैट से। ये देखो, आई थिंक गेहूं लगा रखे हुए होंगे इस पे। ये देखो जी, बूमर आ गया। छोटा सा बड़ा है, बूमर अप, बूमर डाउन, बूमर डाउन, वाओ, बूमर स्लीप, बूमर कितना। ये देखो चाची ने कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगा रखे हैं। हाँ, मेरे को भी, मम्मी ने भी घर में लगाए होते, पर यहाँ हमारी इतनी हाइट ना बहुत ठंड होती है, वहां पर होते ही नहीं है। ये झूला बहुत पसंद आया, दौड़ दौड़ के आ रहा है इस पे खेलने के लिए। और चाची ने यहाँ भी लगा रखे हैं, अभी जैसे सर्दियों में थोड़े सूख जाते तो आगे गर्मी आ रही है, गर्मी में दोबारा से खिल जाएंगे ये सब। ये देखो जी, नींबू का पेड़। और लगते इसमें नींबू? लगे हुए इसमें,
दिखाना। अच्छा एक दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, एक कहाँ पे, यहाँ देखो छोटा छोटा सा। हाँ यहाँ देखो एक छोटा सा, ये वाला और ये अखरोट का है, ये वाला अखरोट है और ये अखरोट। और चाचू ने बनाया अपने लिए एक पर्सनल रूम, देखते हैं जरा कैसे बनाया। तो ये है चाचू का अपना पर्सनल सिंगल रूम, वॉशरूम और ये किचन। और ये किचन में भी पूरा सामान रखा देखा, ये है जब ये है इनका बेडरूम, ये है बेडरूम चाचू का। और अच्छा ये रखे अंजलि। तो जी रिटायरमेंट के बाद जो जॉब वाले होते हैं उनसे बेले तो बैठा नहीं जाता, वैसे ही चाची का हिसाब है। तो चाची भी बेले नहीं बैठ सकते थे, तो चाची ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है। तो चाची ने खोली है यहाँ पे अपने घर पे अपनी एक छोटी सी क्लोथ शॉप। तो चलो दिखाते हैं आपको चाची की क्लोथ शॉप। तो ये है चाची की शॉप, ये देखो सूट लहंगा साड़ी सब कुछ है। बताओ चाची जी क्या क्या है, बच्चों का सामान सारा एंड ब्लैंकेट और बेडशीट बेड कवर एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी। और ये देखो सूट्स, हर तरह के सूट्स हैं, लहंगे भी है, ये देखो लहंगा पैक रखे हुए हैं, साड़ी। हाँ तो अगर किसी को लेने हैं तो प्लीज कांटेक्ट करें चाची जी से। हाँ मैं चाची जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो भी चाची जी से लेना चाहता है। आजकल आया है अनारकली सूट, ये मेरे पास अनारकली सूट है, ये वाले आजकल इनकी बड़ी डिमांड है। ये जॉर्जेट, ये वाले जॉर्जेट के ये हमने बहुत खाते थे पहले थे, जब हम 25 ईयर या 30 ईयर के थे तब थे। दोबारा से फैशन वापस हो गया, रिपीट हो गया फैशन और आ गया है, इसलिए मैंने थोड़े से पीसीज लाए थे क्योंकि ये गांव की दुकान है, वही गिने चुने लोग होते हैं, पर ये सबको बहुत पसंद आए। अब ये लास्ट पीस है। अच्छा इसका काफी ज्यादा डिमांड है चाची के पास, जो पे यहाँ पे चल पड़ते हैं, पर ये छोटी सी दुकान है, यहाँ पे छोटा सा गाँव है, ज्यादा लोग तो ये फिर भी यहाँ के लोग पसंद करते हैं। बेड शीट्स है, ब्लैंकेट है, रजाई कवर है, शिमला में भी नहीं आई है, मेरे से घरों में बहुत सामान होता है। अच्छा बेड में मतलब सारा इसमें डालते हैं, ब्लैंकेट ला के रख लो, सेफ रहते हैं। ब्लैंकेट डालो अपने, हाँ जैसे गर्मी आई है तो सर्दी के कपड़े पैक करके बेड बॉक्स में ऐसे रख दिए इसमें, और सर्दी आई तो गर्मी के रख दिए। तो ये देखो जी चाची ने गिफ्ट किया है अर्शिव को ये सेट। हाँ। बोलते पहली बार आया है, कुछ ना कुछ सही बात है, जब भी आते कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। तो जी आंचल को भी आ गया एक सूट पसंद, चाची से ले लिया ये वाला बताऊंगी यानी। ठीक है फिर मिलते हैं, बाय, ध्यान रखना अपना, ठीक है आ जाना पड़ेगा। ठीक है फिर चाची जी, बाय बाय, ध्यान रखना अपना, दवाइयाँ लेते रहना। डॉगी भी आ गया मेरा, बाय मेरा डॉगी नहीं है ये, दवाइयाँ लेते रहना। ठीक है बाय, ओके बाय। ये है नालदेहरा, ये है होटल गोल्फ ग्लेड नालदेहरा, जो कि हिमाचल टूरिज्म के अंडर है। और देखो कितनी अच्छी सी कंस्ट्रक्शन कर रखी है उन्होंने इसकी। ये देखो ये है जी नालदेहरा शहर, यहाँ से ऊपर एंटर होता है नालदेहरा में, तो काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। और अंदर है यहाँ पे गोल्फ ग्राउंड, पर उसमें एंटर नहीं होने देते, जो सिर्फ गोल्फ खेलता है या जिनका पास बना है गोल्फ का उनको ही एंटर करने देते हैं। तो ये देखो यहाँ का आपको किसी और दिन दिखाएंगे व्यू। तो अभी ऋषु अपनी गलती नहीं बता रहे, अभी पता क्या हुआ, हम मैं और अर्शिव बाल बाल बच गए आज। तो हम गाड़ी में बैठे हुए थे, ऋषु गाड़ी साइड में खड़ी करके बाहर वीडियो लेने चले गए, और गाड़ी एकदम से पीछे कोई खुद ही जाने लगी। वो तो बाहर भैया थे, वो फटाफट दौड़ दौड़ के आए, उन्होंने ब्रेक दबा दी, मेरे को तो अंदर पता नहीं चल रहा था, पर उनको आगे से दिख गया कि टायर घूम रहे हैं।
तो रिशु ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए तुझे अपने परिवार के साथ तुझे ये पता नहीं चला कि गाड़ी इधर उधर जा रही है इसको पकड़ दी कि मैं इसको फटाफट से खींचा और मैं बाहर उतर गई भैया ने फटाफट से हैंड ब्रेक पूरी खींची हुई थी उन भैया ने भी बोला हैंड ब्रेक तो लगी हुई है हो जाता है कई बार आपने लगाई ऐसे गाड़ी थी टेढ़ी मेढी जगह में हमारे को आज मौत की घाट रिशु ने पर आज लेट हो गए हैं आरवी के लिए वरना आपको थोड़ा बहुत गोल्ड फ्रॉम फिर दिखाने की कोशिश करते हैं अब हम स्पेशली एक दिन प्रोग्राम बनाएंगे नाल दे रहा आप करके फिर दिखाएंगे हाँ एक दो जगह यहाँ पर वो और भी है बहुत सुंदर सी पिकनिक के लिए उसको भी एक्सप्लोर करेंगे तो पर आज हम बाल बाल बच गए मेरे बाल तो कैसे खड़े हो गए डर के मारे तो यार हम घर पे काफी पहले पहुंच चुके थे उसके बाद घर पे छोटा मोटा काम था करने के लिए वो किया आरवी भी सो के उठ चुकी है और वो नहा रही है बेचारी क्योंकि सुबह सुबह ठंडा होता है ना तो फिर मैं प्रेफर करती हूँ कि इसको दिन में ही मैं नहला लूँ तो ये देखो यार अभी अभी मैं यहाँ से सफाई करके गई और ये देखो ये क्या कर रहे हो अर्जी बाप देखो मेरे बालों की हालत क्या हो गई है और ये देखो सनसेट भी हो चुका है देखो अगर आपको दिख रहा है तो ये देखो सनसेट हो चुका है ये देखो इसने ना मेरी इतना शरारती है ना ये और अब ये चाय गिराने की फिराक में कि कब जैसे तू मेरे को ना देख और कब जैसे मैं चाय गिरा दूँ क्या कर रहे हो आप मैं देख रही हूँ आपको मैं देख रही हूँ आपको हाँ अच्छा किसी कर देख आरवी को नहा के आ गया हूँ उसको कपड़े भी पहना दिए ये टॉवल टंग नहाती वो खुद है नहाती वो खुद है बस उसके बाल धोने होते हैं क्योंकि उसके बाल थोड़े से लंबे हैं ना धोने ही पड़ते हैं हाँ वो हाँ वो तो आप करके आए हो वो तो मैं बोल रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ कि वो नहाती खुद है अब वो अब बड़ी हो चुकी है पर उसके बाल जैसे घने हैं ना तो वो खुद ही धो पाती है कपड़े भी पहना दिए हैं ओके कर दिया उसको अर्शिव को भी मैंने चेंज करा दिया अर्शिव इस फिराक में कि कब जैसे तुम मेरे को नहीं देख रहे और मैं ये चाय गिरा दूं है ना और सुनो इस कमरे की बहुत बुरी हालत है वो मैंने सजा दिया है इतना काम कर दिया मैंने भी आ करके तो देखो ऐसे अत्याचार होते हैं पति के ऊपर शादीशुदा के ऊपर झूठ बोलते हैं ये देखो भागे तो यार दैट्स इट फॉर टुडे बहुत हो गया शायद लंबा भी काफ़ी हो गया ब्लॉग तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो इस चैनल पर नए हैं जो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्लीज़ ऑन कर दीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए खुश रहिए टेक केयर बाय बाय